हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही यम्मी, टेस्टी और इजी स्नैक पाव भाजी तवा टोस्ट। इसे हम तवे पर ही बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है और उसमें दो छोटे बॉइल्ड पोटैटो डाल लिए हैं। इनको मैंने मैश भी कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च कटी हुई डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई। बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ और साथ ही बारीक कटी हुई प्याज भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, डेढ़ चम्मच पाव भाजी मसाला भी ऐड करेंगे। डेढ़ छोटी चम्मच में ले रही हूँ, पाव भाजी मसाला ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें आधा नींबू भी निचोड़ रही हूँ। इन सब चीजों को मिक्स कर लूंगी। देखिए ये सब तैयार है, मिक्स हो चुका है। इसके बाद आप ब्रेड की स्लाइस ले लीजिए। आप चाहें व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं और ब्राउन ब्रेड भी आप ले सकते हैं। और जो हमने ये मिक्सचर बनाया था, इसकी हम एक लेयर इसके ऊपर बिछा देंगे अच्छे से। ये देखिए, मैं दोनों ब्रेड्स पर अच्छे से मैंने इसकी थिक लेयर बिछा दी है। इसके बाद अब हम इसे सेक लेंगे। जैसे ही पैन थोड़ा सा गर्म हो, आप इसमें थोड़ा सा बटर डाल दें। बटर के थोड़ा सा मेल्ट होते ही आप उस पर एक टोस्ट को इस तरीके से रख दीजिए और इसे हल्की गैस पर सिकने दीजिए ताकि ये नीचे से क्रिस्पी हो जाए। और जब ये टोस्ट सिक जाए एक तरफ से, हम इसे थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट के बाद पलट के एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या हाल है। देखिए सिक चुका है। अब इसे हम थोड़ा दबा के सेकेंगे और साइड में थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे। हम इस तरीके से बटर को चारों तरफ से लगा देंगे ताकि बटर अच्छे से हर तरफ चला जाए। इस तरीके से हम इसे दबा कर सेकेंगे। अब हम इसे बड़ी ही केयरफुली इस तरीके से पलट देंगे। तो हमारा ये टोस्ट तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे।